प्रिंट, ये देखिए एसएससी का इम्पोर्टेंट ये आता है क्वेश्चन, मतलब ये 5 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आते हैं, ये एसएससी और मतलब कि सीएचएसएल और है मतलब कि स्टोनो वगैरह, एमटीएस, काफ़ी मतलब कि एसएससी काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। सबसे फर्स्ट पर्सन क्या है, ये डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन में क्या है कि मतलब कि इन द फेलो क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मैचिंग टू द गिविंग वर्ड, मतलब ये कह रहा है कि इसके अपोजिट शब्द बताइए, जैसे बिनिटली लिखा हुआ है और मतलब कि अपोजिट शब्द जानते हो क्या, अपोजिट वो होता है कि मतलब कि उसके जस्ट नेगेटिव, मतलब सही, मतलब ट्रू का फाल्स, फाल्स का ट्रू, मतलब कि उसका जस्ट उल्टा है ना, उसे कह दिया अपोजिट। तो ये हमने 5 क्वेश्चन मतलब कि काफ़ी प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व किया, तो उसमें देखा तो ये ऐसे क्वेश्चन थे, ये मुझे रिपीट दिखाई दे रहे थे, तो इस वजह से मैंने सोचा लाओ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसका क्या है, बिनेटली, बिनेटली, बिनेटली का मतलब क्या होता है, अभिमानी, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, अभिमानी, अभिमान, अभिमान होता है, ठीक है। और इसे क्या भी कहते हैं, और इसे शायद इसे गर्व भी कहते हैं, गर्व, ठीक है, मतलब अभिमान या गर्व करना है ना उसका, इसे ही कहते हैं। तो इसका मतलब जस्ट अपोजिट का हो जाता है, मॉडलिस्टली हो जाता है, मॉडलिस्टली, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मॉडलिस्टली, मॉडलिस्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मॉडलिस्टली, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नम्र, ठीक है, नम्रता, मतलब कि अभिमानी मतलब कि गर्व दिखाना, गुस्सा दिखाना, नम्रता माने नॉर्मली इंसान, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये नेग्लिमेंट, ये नेग्रीमेंट है, ठीक, नेग्लिमेंट का इसका इसका क्या, लापरवाह, ठीक, नेग्लिमेंट का मतलब क्या होता है, लापरवाह, ठीक है, तो लापरवाह लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लापरवाह, लापरवाह, ठीक है, लापरवाह मतलब कि आलसी, आलस करना, मतलब कि लापरवाह, आलसी वगैरह बात तो एक ही होता है ना, सेम होता है। तो इसका जस्ट निगेटिव क्या होता है, इसका जस्ट निगेटिव होता है केयरफुली, ठीक है, केयरफुली, केयरफुली, ठीक है, केयरफुली का तो मतलब कि एक मतलब होता है, केयरफुली का मतलब होता है सतर्क, ठीक है, सतर्क होता है, या फिर लिख लो सावधान, सावधान, यह भी उसका ही मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद आता है निगेट, निगेट का मतलब होता है निगेट, जैसे कि ये निगेट लगा, इसका मतलब साफ, साफ या सुथरा, ठीक है, साफ या सुथरा, सुथरा, ठीक है, साफ सुथरा, इसका मतलब ये होता है। तो इसका निगेटिव जस्ट निगेटिव होता है कि स्पोलिट, स्पोलिवाइट, स्पोलवाइट, ठीक है, स्लोफिट, स्लोफिट, ठीक, स्पोल, स्लोफिट, ठीक, ओके, स्पोलिट, इसका मतलब क्या होता है, इससे मतलब साफ सुथरा, ये तो इसका मतलब वही गंदा, इसे गंदा भी कह सकते हैं, गंदा, ओके, इसका ये मतलब हुआ। अब उसके बाद आ जाता है ये प्रोफेशनल, ठीक, ये प्रोफेशनल आ गया, तो प्रोफेशनल का मतलब होता है कम, ठीक है, इसका मतलब होता है कम, और इसका मस्ट जस्ट निगेटिव हुआ, इसका जस्ट निगेटिव होता है कि पोलोफेटनील, पोलोफेटनील मतलब कि गलत होता है, मतलब कि इसका जस्ट उल्टा होता है, तो इसका मिलेंगे प्रोफेशनेट, ठीक है, प्रोफोशनल, प्रोफेशनल फुल, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हुआ, इसका मतलब होता है अधिक, अधिक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्या अधिक उसका होता है। अब दूसरे इसके बाद आ गया मैग्रीच, मैग्रीच, ठीक, इसका मीनिंग सही नहीं, मीनिंग देखो, एम ई ए जी आर ई, मैग्रीच, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका शौकिया, मतलब शौकिया, शौकिया इंसान, मतलब शौकिया मतलब कि शौक करने वाला होता है इंसान बहुत ज़्यादा, है ना, तो ये शौकिया इंसान होता है ना, तो इसका मतलब कि इसका जस्ट निगेटिव क्या होता है, इसका जस्ट निगेटिव होता है कि मतलब कि इसके